में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से सिर्फ एक हफ्ते पहले ही एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे हुआ है। इस वोटिंग से पहले आए सर्वे रिपोर्ट में दिल्ली में बीजेपी की लहर दिख रही है। इंडिया ग्रुप और सिसेरो के सर्वे रिपोर्ट बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटों में 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। सर्वे की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाने वाली आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 0 से 2 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। वहीं 2009 के चुनाव में सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 0 से 1 सीट तक ही मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे की माने तो दिल्ली के वोटरों का रुझान इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट, आपको 28%, कांग्रेस को 23%, जबकि अन्य को 8% वोट मिल सकता है। जहां पीएम पद के उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों की पहली पसंद है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 44% दिल्ली वाले मोदी को पीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि केजरीवाल बतौर पीएम सिर्फ 24% लोग उन्हें पसंद करते हैं। राहुल गांधी की जहां तक बात है तो इस लिस्ट में 3rd नंबर पर हैं, उन्हें 19% लोग प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। वहीं मौजूदा पीएम मनमोहन सिंह के पक्ष में सिर्फ 4% दिल्ली वासी ही हैं जो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री देश के बने। लेकिन इस बीच आपको जो तगड़ा झटका हम ये समझ सकते हैं, सर्वे के लिहाज से अगर हम समझे तो आम आदमी पार्टी को लगने जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि या तो एक भी सीट नहीं या फिर बहुत मुश्किल से 2 सीटें आम आदमी पार्टी हासिल कर पाएगी। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अभी पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 28 सीटें हासिल की थी और दिल्ली में सरकार बनाई थी। संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, ये जो सर्वे है, अगर इसकी हम तथ्यों पर आंकड़ों पर यकीन करें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बड़ा झटका लगने जा रहा है इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल प्रीति, अगर इंडिया टुडे के सर्वे पे यकीन करें और वाकई ये साइंटिफिक तरीके से किया गया है तो आज के डेट में मौजूदा जो प्रोजेक्शन दिया गया है आम आदमी पार्टी के लिए वाकई अलार्मिंग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर शुरुआती जब लोकसभा चुनाव की बुगाहट हुई थी तब जो ज्यादातर सर्वे आए थे वो 4 से 5 के बीच में सीटें मान के चल रहे थे, और अब उसका ठीक अपोजिट अगर उल्टा 2 के करीब 2 से 3 सीटें आती है तो वाकई एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है, खासकर दिल्ली के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी हालांकि भले देश के तमाम 300 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड माना जाता था संगठन के लिहाज से, पार्टी नेताओं के लिहाज से, कैंडिडेट के लिहाज से। और पिछले 2 महीने पहले दिसंबर में आपने देखा पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था, 1 साल की नई पार्टी 28 सीटें लेके, इसके बावजूद भी अगर सिचुएशन ये है तो वाकई अलार्मिंग। हालांकि ये किसी और संस्था का सर्वे है, संस्थाओं के सरों पे पीछे देखा किस तरीके से आपने सवाल उठे थे, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर। कुंदन, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं हम उस पर तफसील से आपकी जानकारी चाहते हैं, वो ये कि हमने देखा कि जनवरी में जो शेयर था, एक सर्वे तब भी आया था, तब अचानक से तेजी हमने देखी थी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में। फिर हमने फरवरी माह देखा, जनवरी फरवरी मार्च की बात आई, फिर अप्रैल महीने में हम देख रहे हैं बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ है, दर्शकों को जरा समझाइए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लोकप्रियता अचानक से घट गई। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर। मोदी का जो वेव है उसका शायद आप कुछ असर मान सकते हैं, और इसके अलावे जो उनकी 49 दिन की सरकार को लेके, खासकर से मध्य वर्ग में अपर क्लास में एक अनस्टेबिलिटी को लेके जो सवाल उठे थे, और बार बार वोटरों को लगता है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में आप उनकी पहली पसंद है, लेकिन चूंकि केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और उसमें उनके चुनने से कोई आप सरकार बनाने नहीं जा रही, क्योंकि पहले भी चीजें हो चुकी है, तो लगता होगा कि जो वोट है अपना वेस्ट करने से बेहतर होगा एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जाए जिसकी एक सरकार में भागीदारी हो और उसका लोग फायदा उठा सके। ये बात सही है, क्योंकि अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अगर एक सर्वे दिल्ली के मुख्यमंत्री में कौन पॉपुलर, तो हो सकता है कि अभी भी जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, वो ज्यादा मानी जाएगी तुलना बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के। लेकिन जहां लोकसभा की परिप्रेक्ष्य की बात करें, और मैं आपको बता दूं कि हालांकि बीच में 10 तारीख को 10 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, और खासकर इस बीच अगर ये सर्वे आता है तो आपके लिए वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है। ये भी हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि महज एक हफ्ते का फासला है जब 10 अप्रैल को दिल्ली में चुनाव होने हैं, और ये जो सर्वे है ये कितना
असलियत में बदल सकता है, क्योंकि हमने असेंबली इलेक्शंस में देखा था कोई भी प्री पोल ऐसा नहीं बता पा रहा था कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें असेंबली इलेक्शंस में मिलेगी। इस पोल में कितनी सच्चाई हो सकती है, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए प्रीति, बिल्कुल, अगर एक हफ्ते पहले का सर्वे है, मैं आपको बता दूं कि ठीक दो से तीन दिन पहले का अगर सैंपलिंग साइज किया गया हो तो मान के चलिए कि 10 दिन पहले का सर्वे है, लेकिन 10 दिन का जो लास्ट का क्रूशियल डे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो वोटों का शेयर और एक तरह से जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, कि लास्ट के 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली के लिए डेडिकेट रखा था और दिल्ली में लगातार हर दिन वो आज भी एक दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन चुनाव प्रचार के दौरान, इनकी तरह लगातार रैलियों के दौरान एक बार आपके लिए माहौल बने। आपको बता दूं कि आपके दो तीन दिन की अगर रैली की बात करें तो लगातार मैसिव रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, और एक बड़ी रैली हर लोकसभा क्षेत्र में। हो सकता है सर्वे से संबंधित भी कोई प्रश्न उनसे पूछा जाए और फिर वो असेंबली इलेक्शंस का हवाला दें कि तब भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें मिली।